गाइस यहाँ पर देखे तो एक बंदा बचा हुआ है मेरे अलावा, और वो मेरे सामने जंप कर रहा है। और इसने इससे पहले भाई तीसरा जो बंदा था भाई उसको मिनी से मारा है, और वो बहुत दूर। मिनी वाले बंदे का भाई सस्पेंस रहता है कि ये कुछ ESP हैक वेक तो नहीं चला रहा है, और ये वैसा ही होता है। इसने बहुत सारे बंदे किल कर दिए थे भाई मिनी से। तो अब ये बंदा मेरे पास आ जाता है मीटअप करने, और यहाँ पर हम दोनों के बीच में होने वाली फ़ाइट। अब जो भी फैन मीटअप करने आता है उसको मैं कभी भी गन फाइट नहीं लेता हूँ, मैं कहता हूँ भाई पेन फाइट करेंगे। और मैंने निकाल लिया पेन, अब उस बंदे ने भी निकाल लिया पेन। अब मैं कर रहा था भाई गन ड्रॉप, और इतने में उस बंदे ने दे दिया भाई हेडशॉट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो गाइस, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि भाई सारे एड वेड देख लेना, और उसके बाद मैंने वीडियो बनाया उसमें बोला कि मत देखना, एज यूजुअल नॉर्मल रहने देना। तो अब थोड़ा बहुत कंक्लूजन पे ये पहुँच जाऊँ कि भाई वो जो प्रॉब्लम होती है भाई एडसेंस वाली, वो होती है इनवैलिड क्लिक्स से। मतलब अगर मैं ही बहुत बार देखता हूँ वो वीडियो पे एड तो प्रॉब्लम होगी, बाकी तो तुम देख रहे हो ना तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, बराबर एड वेड देख लेना। अब बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं भाई, ऑलमोस्ट 8 से 10K व्यूज़ आ जाते हैं, तो भाई सब के सारे तो नहीं देखेंगे एड, तो तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब देख लिया करना अब। और यही चीज़ बोलनी थी स्टार्टिंग में। और गाइज़ ये वाला गेम प्ले इतना खास जाने वाला, इसका आइडिया तो मुझे यहाँ पर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे गेम बढ़ता गया वैसे भाई इंटेंस आता गया, और एंड में जो होगा भाई मतलब बहुत सारे हैकर होते हैं इस वाले गेम में, लेकिन उनको सर्वाइव करना तो आता नहीं है भाई। हैक लगाने से थोड़ी होता है सर्वाइव, बस किल मिलते हैं उससे। अब क्या होता है भाई, एंड में एक हैकर बजा होता है और उसको हम ऐसी सिचुएशन में फंसा देते हैं ना भाई, वो जंप करने लग जाता है। मतलब उसके कहने का अर्थ होता है भाई बख्श दो हमको, माफ़ करो। तो गाइस वीडियो पूरी देखना और एंजॉय करना, मतलब हैकर को कैसे आप फंसा सकते हो। आमतौर पे अपन हैकर से डरते हैं कि भाई कहाँ से किधर से गोली मार दे, लेकिन ये वाला मैच में जब हैकर डरेगा तो तुमको देख के ही मजा आएगा। उससे पहले आ गए हम यहाँ वाले कंपाउंड पे, और वेस्ट तो सही बात है लेकिन पिस्टल मिल गया ये गलत बात है भाई, पिस्टल से हम किसको मार सकेंगे। चलो कोई नहीं, पिस्टल ही काम किया, अभी तो बोट आ गया इधर तो उसको तो उड़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर मिल जाती हमको M16 और P22। चलो ये ठीक है, अब यहाँ पर हमको मिल गया भाई 4X। चलो गाइस यहाँ पर हेलमेट तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ से हमको गन मिल गई, ये काफ़ी है। हमको चाहिए था भाई एक मिनिमम हेलमेट लेवल 2 का, लेकिन अभी तक तो मिला नहीं। अब इसी की तलाश में ये स्क्वाड हाउस की तरफ आया हूँ। अब ऐसे जो स्क्वाड हाउस थे भाई, और मौसम भी ऐसा हो रखा है ना कुछ दिखेगा नहीं, अगर कोई बंदा आया हो तो भाई पहले गाड़ी वाड़ी घुमा के चेक कर लिया करो, और फुट स्टेप तो देंगे ही नहीं बंदे, बिल्कुल अलर्ट रहा करो भाई। कभी भी मतलब गन पीछे रख के बिल्कुल बेफिक्र दौड़ना, मारे जा सकते हो कभी भी कैंपर से। चलो अभी तक तो हमको हेलमेट नहीं मिला है, लेकिन हेल्थ मिल रही है, सही बात है। हम इसके थ्रू भाई जोन के बाहर जाके भी लूट सकते हैं। और काफ़ी लोग ये कमेंट करके बोलते हैं कि भाई ऐड नहीं आया, इतने वीडियो देख लिए फिर भी किसी पे ऐड नहीं आया। तो गाइस ये डिपेंड करता है कि आपने इससे पहले आपकी वीडियो से मतलब यूट्यूब चला रहे हो तो कितनी वीडियोस पे आपने देख लिया ऐड, और ये भी डिपेंड करता है कि मेरी वीडियोस पे कितनी ऐड चल चुकी है। तो ये सब फिक्स थोड़ी है भाई, बिल्कुल नॉन फिक्स है, कहीं पर भी ऐड चल सकती है किसी पर भी रेंडम यार। अब ऐड भले ही कम आए, लेकिन जिसके भी पास आए गाइस कंपलसरी देख लिया करना, तभी मैक्सिमम अर्निंग होगी, वरना तो कोई अर्निंग नहीं होती व्यूज़ से। तुम बोलते हो भाई 10K व्यूज़ हो गए, 20K व्यूज़ हो गए, उससे भाई 1 रुपया भी नहीं मिलता है, एड का मिलता है जो भी मिलता है। तो एड ट्राई करना कि पूरा देखो तुम। तो उसके बाद में आया तो भाई लूट की तलाश में इधर झारखी की तरफ, और रास्ते में बग्गी चेंज कर लेते हम क्योंकि पेट्रोल ख़त्म हो गया था। पेट्रोल नहीं भी होता ख़त्म तब भी मैं बग्गी लेता, क्योंकि ये फास्टर भी है और जो क्या कहते हैं माइलेज या एवरेज जो भी बोले वो ज़्यादा देती है। अब रास्ते में मुझे एक सेक में मिल जाता है लेवल 1 का हेलमेट, लेकिन हमको चाहिए था भाई लेवल 2 का कम से कम मिनिमम, ताकि हम कोई फाइट मतलब सर्वाइव कर सके। अब यहाँ पर मिल गया हमको 6X चलाने जैसे कोई गन तो है नहीं, लेकिन PV में चला लेंगे। अब यहाँ पर मिल जाता है हमको एक बोट, और इसको हम किल कर देते हैं। अब मुझे उम्मीद थी कि इस भाई के पास M4 या फिर कुछ अच्छी गन होगी, लेकिन नहीं, ये M16 और थॉम्सन लेके आया था। चलो कोई नहीं, एक बार तो आजू बाजू के कंपाउंड फिर से लूट लेते हैं, उसके बाद आ जाते हैं हम सीधा थर्ड जोन में। उसके बाद मैं आ गया हूँ सीधा थर्ड जोन में, और सेंटर में होल्ड कर रहा हूँ ये वाला सेक। और ये सेक के मैंने फायदे और नुकसान पहले ही बता रखे हैं, यहाँ पर अननेसेसरी पुश बिल्कुल ही कम आएगा, मतलब मिनिमम चांस है, 1% चांस है। और इतने में नया जोन भी बन जाता है, देखो गाइस फिर से नया जो जोन बना है इसके भी सेंटर में हम। अब यहाँ पे भी मैं होल्ड करता ही रहता हूँ, मतलब ज़्यादा ज़रूरी अपन को है नहीं इधर उधर मूव करना कॉन्कर लीग में, जब तक कि आपके पास दुश्मन खुद चल के ना आए। तो गाइस ये वाला जोन भी क्लोजिंग होना स्टार्ट हो गया था, और राइट साइड में जब ऊपर की तरफ रिज देखता हूँ मैं, तो वहाँ एक ड्रॉप दिखता है और स्नैक भी। ये देखो ये था रैटल स्नैक, बिल्कुल स्नैक बनते बनते जा रहा था कहीं पे, और एक और बग्गी आती इतने में,
उसे फायर में कनेक्ट नहीं करवाता हूँ, लेकिन ये आइडिया हो जाता है कि ये जो स्नाइपर टावर है इस ड्रॉप के आगे, वहाँ पर एक बंदा है। अब जैसा कि मेरे पास हेलमेट और वेस्ट इतने खास नहीं है, तो मैं ये फैसला देता हूँ कि भाई एयर ड्रॉप लूटा जाए, और जो जोन था भाई ये भी शिफ्ट हो गया था, तो तुरंत मैं निकल लेता हूँ यहाँ से और ड्रॉप लूट लेता हूँ। उस बंदे को यहाँ पे कोई एंगल नहीं मिल रहा था और उसी की कवर में हम यहाँ पर लूट कर लेते। अभी इस एयर ड्रॉप से हमको मिल गया भाई AUG, और AUG में प्रेफर करता हूँ M4 के बजाय क्लोज रेंज में, मतलब इसका फायर रेट बहुत ज़्यादा है M4 से। तो उसके बाद मैं आता हूँ सीधा सेंटर ऑफ द जोन जाने की सोच रहा था, लेकिन ज़्यादा फसल मच जाने के कारण भाई मैं एक बार तो एज जोन होल्ड करता हूँ, मतलब एज ऑफ द जोन होल्ड करता हूँ, और ये वाला लकड़ी का सहक यहाँ पर होल्ड करता हूँ एक बार। उसके बाद मैं सोच ही रहा था कि अगर यहाँ से जोन शिफ्ट हो जाता है और ऐसी जगह बन जाता है जहाँ पे हम जाने में मतलब दिक्कत भी हो सकती है हमको, तो यहाँ से तुरंत मैं फैसला देता हूँ कि आगे वाले सहक चले जाते हैं, थोड़ा बहुत तो जोन का एडवांटेज रहेगा हम पे और जोन भी काट सकते किसी बंदे का। और आगे मैं इस सहक पे, अब सामने देखो भाई ग्रेनेड हो रहा है उस स्नाइपर टावर पे, यहाँ तो दो बंदों की फाइट हो रही है वहाँ पे, अब अकेला बंदा तो करेगा नहीं भाई अपने आप पे ग्रेनेड। और यहाँ पे सबसे पहले तो DP उठा लेते क्योंकि इसका रिकॉइल ना के बराबर। अब मेरा ध्यान था भाई सारा वो स्नाइपर टावर वाले बंदे पे, क्योंकि उसका बगी भी मेरे को स्पॉट हो रहा था, मतलब अगर गेट इन होता है। और इधर देखो भाई ये मिनी चला रहा, मिनी वालों बंदों का मैंने बता दिया तुमको कि क्या सीन है इनका, इनसे बच के ही रहने का हमेशा। और इतने में एक बग आती सामने से, फायर पड़ते उस बंदे ने तुरंत जंप कर दिया, लेकिन फिर भी वो बंदा मारा जाता है। अब उस बंदे का मुझे प्लान था कि वो यहाँ पर आके एयर ड्रॉप लूटने ही वाला था, उसको फायर पड़ते पे नहीं कूदा हो उसका प्लान था भाई कूदने का। और इतने में वापस से ये मिनी वाला मिनी चलाने लग गए। तो वैसे थोड़ी देर में हमारा जो जोन है भाई शिफ्ट हो गया है, और वो जो स्नाइपर टावर वाला बंदा है उसके बग्गी के टायर हम फोड़ देते ताकि वो ओपन से आए, और अगर वो टायर फोड़ दिए उसके बाद भी गेट इन होकर चलाता है तो स्प्रे कनेक्ट करने में हमको इजी रहे। वो बंदा थोड़ा बहुत विजिबल हो रहा था भाई ऊपर वाली खिड़की से और गेट से, यहाँ से फायर देने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं, एंगल नहीं मिल रहा था। उस बंदे को और भी एंगल मिल सकता है हम पे, लेकिन हम नहीं मार सकते उसको। अब यहाँ पे वो बंदा स्मोक कर देता उस गाड़ी पे, एक बार मैं फायर करके चेक करता हूँ, लेकिन भाई फायर कनेक्ट नहीं होता है। एक बार ऐसे ही ग्रेनेड कर देता भाई फुल तुक्के में, मतलब देखते हैं क्या होता है। और निकलने की सोच ही रहा था मैं जोन की तरफ, और ये देखो भाई ग्रेनेड, मतलब बिल्कुल लकी ग्रेनेड साबित हुआ। जैसा कि मैंने बोला है कभी कभी ऐसे तुक्के में लग जाते हैं ग्रेनेड, मतलब एंटिसिपेट करके फेंक दिया था मैंने, और लकीली वो बंदा किल भी हो जाता है। अब सबसे पहले तो भाई फुल बूस्ट कर लेते ताकि ये हमारी जो क्लोज फाइट होगी अभी उसमें हम थोड़ा मतलब एडवांटेज में रहे। अब यहाँ पे जो आगे होने वाला है देखो गाइस, यहाँ पे एक बंदा रहता है, कार खड़ी है और वो बंदा जंप कर रहा है। इस बंदे को पता नहीं शायद किल फिर से चेक कराया फिर कैसे पता, ये मिनी वाला ही बंदा है। अभी यहाँ पे इस पत्थर के कवर में आके मैं लेट जाता हूँ कि ये डर रहा था मैं वो मिनी वाला बंदा मतलब धोखा ना कर दे। अब यहाँ पे मैं प्रोन तो हो गया हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो कवर में रहना ही चाहिए भाई। यहाँ पर एक बार बग्गी का कवर लगा देते हैं, और जो सेक भाई राइट में वहाँ पे बंदा होगा ही होगा, तो उसकी तरफ भी मैं नज़र लगाए हुए था। और एक बार तो भाई स्मोक कर लेते भाई फॉर्मेलिटी के लिए, मैं स्मोक का यूज़ बहुत ही कम करता हूँ, भले ही किलो जाऊँ लेकिन स्मोक का यूज़ बहुत ही मिनिमम रहता है मेरा। अब जैसा कि अगला जोन बन गया, यहाँ से हम 30 मीटर दूर थे, तो निकल लेते भाई धीरे धीरे प्रोन होते हुए जोन की तरफ। अब यहाँ पे मुझे साउंड आती है भाई UMP की, और वो बंदा है सेक में, तो उस बंदे को देखते हैं। और वो UMP वाला बंदा मिनी वाले को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, और इतने में मेरे पास एक एम था, लेकिन मैंने वापस से DP पे स्विच करा क्योंकि भाई DP का रिकॉइल तो है ही नहीं, मतलब गायब ही हो गया है, विलुप्त हो गया इसका रिकॉइल। और बचा बंदा एक था और ये मार ही देता, मतलब हैकर है या फिर क्या सीन है मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये बंदा मिनी चला रहा है तो ऑब्वियसली बात है मिनी वाले बंदे ESP लगा के ही मिनी चलाते। अब उसके बाद बचा बंदा यही था, तीसरा बंदा इसने मार दिया था, तो अब क्या करें, अब इस बंदे के साथ मीटअप करने का है क्योंकि इस बंदे ने मतलब जंप करके मना बोला था कि भाई मत मारो मेरे को।
अब यहाँ पे वो बंदा पास में आ जाता है और बात तो नहीं हो पाती क्योंकि भाई मैंने वो सब गूगल डी एन ए सब लगा के देख लिया भाई, उससे तो पिंग 400 500 आ रही, खेला ही नहीं जाता। अब जो भाई माइक तो ऐसा ही रहेगा। अब मैं बोलता हूँ भाई पेन फाइट करेंगे और मैंने निकाल लिया पेन, अब उस बंदे ने भी निकाल लिया पेन। मैं कर रहा था भाई गन ड्रॉप और उस बंदे ने दे दिया हेड शॉट। देख रहे हो भाई क्या हेड शॉट भाई, मतलब K98 का हेड शॉट पड़ा हो। वैसे तो हालत हो गई, अभी तो भाई हील कर लेते, रुक गया मैं हील करने के लिए। और वो बंदा देख रहे हो भाई, मतलब कितना मासूम दिख रहा है, देखो हील कर रहा है, कुछ किया ही नहीं उसने ऐसे। तो गाइस क्या लगता है ये बंदा हैकर है भाई? एक हेडशॉट ही दिया इतना डैमेज, मुझे समझ ही नहीं आया। कभी भी Level 3 के हेलमेट तो मजाक बना रखा है पेन ने। तो गाइस यहाँ पे मैं श्योर था कि इस पेन फाइट में हम हारने वाले हैं क्योंकि हमारा जो मतलब हेलमेट है ये तो पहले से ही डैमेज है और वो बंदा बहुत ज़्यादा डैमेज मार रहा है। तो फिर भी देखते हैं यार, क्योंकि ये खेल है, खेल में कभी कुछ फिक्स नहीं होता है। अब मुझे भी एक शॉट लग गया लेकिन उसको दो शॉट पड़ गए, तब वो बंदा भागने वाला है, देखना गाइस। और उसको मैं चेस करूंगा इस बार, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और ये लगा भाई, और इसके साथ ही हमारा हो जाता भाई चिकन डिनर। और इस मैच के बाद हमको प्लस कितने मिलते हैं गाइस देखो तुम। तो गाइस कैसा लगा ये वाला गेम प्ले? और इसमें तो इस बार भाई चिकन डिनर भी हो गया और पेन मीटअप भी हो गया। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और जो भी पॉइंट इस वीडियो मतलब इस गेम प्ले में अच्छा लगा वो कमेंट करके भी बता देना। और जो लोग भी नए हैं भाई सब्सक्राइब कर दो। और अभी जो तुम गेम प्ले देख रहे हो भाई, ये गेम प्ले भी बिल्कुल क्वालिटी गेम प्ले, क्योंकि एशिया रैंक 1 पे हम और उसको होल्ड करने के लिए ऐसा ही खेलना पड़ता है। अब गाइज रश गेम प्ले तुमको देखने की आदत है जिसमें 15 20 30 किलो, तो वो भी हम थोड़े दिनों में अपलोड करने ही वाले। तो गाइज सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोग वो जो रश गेम प्ले बिल्कुल नंबर 1 प्लेयर के गेम प्ले मिस ना करो। तो भाई लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में यानी कि कल। तो चलो यार बाय। Smoke you, I could roast you, and then you'd love it. You'd text me, I love you, and then I'd fucking ghost you. The big boys.